कपड़े इतने टाट कर दिए तूने, पहनूंगा कैसे मैं इन्हें? साहब आपने जो नाप बताया तो मैंने उसी नाप के सिले हैं। बकवास बंद कर, इन्हें ठीक कर दे नहीं तो तेरे पैसे नहीं मिलेंगे। साहब जी इन कपड़ों में कोई कमी नहीं है, सही तो सिले हैं। जब कोई काम नहीं आता उसको करना जरूरी है क्या? इनको जल्दी से सही कर दे, मैं थोड़ी देर में अभी आऊंगा लेने। चल क्यों नहीं रही? लगता है इस पर धार लगवा के लानी पड़ेगी। ये कहाँ गायब हो गई? कितनी भी कोशिश कर ले अपनी मौत को नहीं टाल सकती। ये किसकी आवाज़ है? लगता है यहाँ पर कोई है। ये तो कोई औरत है, यहाँ पर बंधी हुई है। ये तो खुली नहीं रही, ये कैंची किस काम आएगी? उठो मैडम उठो। आप कौन हो मैम साहब? वो आदमी मुझे मार डालेगा। कौन आदमी? यहाँ तो कोई भी आदमी नहीं है। मैं अपने घर नहीं जाऊंगी वरना वो लोग मुझे मार डालेंगे। आप मेरे घर चलिए मैम साहब, आपको कोई नहीं मारेगा। नहीं नहीं ऐसे मैं किसी के घर नहीं जा सकती। मैम साहब वो किसी का घर नहीं है, आप उसे अपना ही घर समझिए। मैं वहाँ पर अकेला रहता हूँ। तुम क्या करते हो छोटू? मैं दर्जी को कपड़े सिलता हूँ और दो वक्त की रोटी का इंतजाम कर लेता हूँ। अगर मैं तुम्हारे घर गई तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। कुछ नहीं होगा मैम साहब, आप मेरे घर चलिए। अरे भैया आ गए आप? हाँ मैं तो आ गया, लेकिन तुम्हारी भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्या हुआ है?
कहाँ है तुम्हारी भाभी? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। भैया हम बता तो देंगे लेकिन आप सहन नहीं कर पाओगे। आखिर बात क्या है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो ठीक तो है ना? भैया हम किस मुंह से बताएं, भाभी किसी के साथ भाग गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में ये सब बोलने की? हमने तो भैया आपसे पहले कहा था कि आप सच्चाई सहन नहीं कर पाओगे। लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकती है? भैया इसमें कुछ भी हो सकता है, प्यार होती ऐसी चीज है। आपने उन्हें समझने में गलती कर दी। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वो भाग गई है? उसके साथ कोई हादसा भी हो सकता है। ये देखो भैया, उनके घर छोड़ने से पहले उनका लिखा हुआ लेटर। मैं अपनी मर्जी से किसी के साथ जा रही हूँ। मैं तुम्हारे भैया के साथ खुश नहीं हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश ना करें। नहीं ये नहीं हो सकता, धोखा दिया है उसने मुझे। दुआ करो अगर वो मेरे सामने आ गई तो मैं उसे ना अपने हाथों से ही मार दूंगा। मुझे पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसलिए मैंने पहले ही ये फर्जी लेटर लिखकर अपनी जेब में रख लिया था। बहुत अच्छे, अब तक तो हमारे आदमी ने उसे खत्म भी कर दिया होगा। ओ दर्जी मेरे कपड़े ठीक किए हैं? नहीं नहीं साहब, मुझे कुछ देर का और टाइम दे दीजिए, मैं ठीक कर दूंगा। मैं कहीं जाने के लिए बैठा हूँ और तेरे से ये काम नहीं हुआ? ये क्या तरीका है छोटे बच्चे से बात करने का? तू कौन है? पहले तो तुझे यहाँ पे कभी नहीं देखा। मैं कौन हूँ ये छोड़ो और बच्चे से तमीज से बात करो। बहुत जबान चल रही है तेरी, अभी बताता हूँ तुझे। नहीं इन्हें मत मारो, एक औरत के साथ कैसा व्यवहार करते हैं ये नहीं पता क्या तुम्हें? समझा इसको, फिर ज्यादा बोल रही है ये। आप इनसे झगड़ा मत कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। कोई जरूरत नहीं है इस जैसे नीच आदमी के आगे हाथ जोड़ने की। अभी तो मैं जाता हूँ लेकिन देख लूंगा तुझे भी। मैम साहब आप मेरी वजह से किसी से झगड़ा मत कीजिए, ये बहुत खतरनाक लोग हैं। छोटू इन लोगों की वजह से ही तो आज मेरी ये हालत है। मैम साहब आपने कभी अपने बारे में नहीं बताया आप कौन हो। मैं अपनों की सताई हुई औरत हूँ, मैं सच्चाई के लिए लड़ी तभी तो मेरी ये हालत है। ऐसा क्या हुआ था आपके साथ? मेरे पति बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, अक्सर वो बिजनेस के सिलसिले में बाहर ही रहते हैं और उनके दो छोटे भाई भी हैं, वो हमारे साथ ही रहते हैं। एक दिन अरे भाभी जी हमें कुछ थोड़े पैसे चाहिए। हाँ बोलो कितने चाहिए? अरे तुम लोगों के लिए तो हम कमा रहे हैं। यही कुछ 50,000 रुपये। अच्छा तुम यहीं रुको, मैं भी लेके आती हूँ। अरे आप लोग, मैं तो पैसे लेके भैया आ रही थी, ये लो पैसे। इतने पैसे से हमारा काम नहीं चलने वाला। तो बताओ कितने पैसों से काम चलेगा? हमें ये सारे पैसे चाहिए। तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हारे भैया ने ये पैसे काम के लिए रखे हैं। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो ये गलत है, तुम्हारे भैया तुम पे कितना भरोसा करते हैं। देवर जी छोड़ो। ला ये भी दे, अरे ये बचे हुए गहने भी निकाल लो। नहीं वो गहने मत निकालो, कम से कम नहीं, ये सही नहीं किया तुम लोगों ने अपने भाई के साथ। वो कितना भरोसा करते हैं तुम पर, मैं सब कुछ अभी तुम्हारे भैया को जाके बता दूंगी। तू किसी को कुछ नहीं बताएगी क्योंकि मुर्दे बोलते नहीं। छोड़ो देवर जी, क्या कर रहे हो तुम? देवर जी छोड़ो। अब अपने चलते हैं, अपने आदमी को फोन कर देंगे, वो इसको यहीं आकर ठोक जाएगा। जब तक ये मर नहीं जाती हमें यहीं रहना होगा। इसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, ये भागकर कहाँ जाएगी? हम अपने आदमी को यहाँ का एड्रेस दे देते हैं, वो इसको यहीं आकर ठोक जाएगा। ठीक है मैं अभी फोन करता हूँ उसे।
और वो आदमी वहां से चला गया और फिर तुम आ गए। हेलो, क्या कहां देखा तुमने? इसका मतलब वो औरत अभी जिंदा है। क्या हुआ? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, वो औरत अभी जिंदा है। क्या, कहां पर है वो औरत? मुझे उसका एड्रेस मिल गया है, हम वहां पर जाकर उसको खत्म कर देंगे। अरे, ये लोग इतनी जल्दी में कहाँ गए हैं? कहीं कोई मुसीबत तो ना आ गई? चलकर देखता हूँ। बोल रही, खत्म कर दो इसे। नहीं, तुम लोग यहाँ पर भी आ गए? मैम साहब, कौन है ये? यही वो जालिम इंसान है। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। हमारे रास्ते में मत आ। अब चल हमारे साथ। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे भाई को मारा? इस बार तो तू बच गई, लेकिन अब मेरा निशाना चूकेगा नहीं। अपनी बंदूक नीचे कर लो, तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ चुकी है। अच्छा हुआ आप आ गए, देख ली अपने भाइयों की असलियत। इन दोनों ने मुझे और ही कहानी सुना दी थी, लेकिन मुझे फिर भी विश्वास नहीं हुआ। ऐसे भाई होने से तो अच्छा भाई ना हो तो बढ़िया है। इन दोनों ने ऐसा काम किया है, ये जिंदा रहने के लायक नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो इन दोनों को अभी मार दूँ, लेकिन मैं अपने हाथों से ही अपनों का खून नहीं करना चाहता। हमें माफ कर दीजिए भैया, हम पैसों के लालच में अंधे हो गए थे। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं भैया? ये दौलत तो आपके लिए वैसे ही बेकार है, क्योंकि आपकी तो कोई औलाद ही नहीं है। इसी दौलत ने तो मेरे अपनों को मेरा दुश्मन बना दिया। लेकिन भैया, हमारे जेल जाने के बाद आपका ये बिजनेस कौन संभालेगा? उसकी चिंता तुम मत करो, ये बच्चा जो मेरा छोटा भाई है, हमारा बिजनेस ये संभालेगा। ये गरीब दर्जी, ये तुम क्या कह रही हो? ये संभालेगा तुम्हारे बिजनेस को? हाँ, ये गरीब दौलत से है, दिल से नहीं। इसके अंदर इंसानियत है, और तुम्हारी इंसानियत दौलत के नशे में मर चुकी है। भैया हमें माफ कर दो, हमें सुधरने का एक मौका दे दो। हाँ भैया, हमें एक मौका और दे दो। आज के बाद तुम्हारा और हमारा कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अगर मैंने तुम्हें आज माफ कर दिया, तुम यह हरकत फिर भी करोगे, क्योंकि तुम अपने मकसद में ना पहले से ही फेल हो चुके हो। और हाँ, तुम सुधरने वालों में से नहीं हो। तुमने पैसों के लिए किराए का गुंडा भेज के मेरी जान लेना चाहा? पुलिस आ चुकी है, अब तुम जेल जाने की तैयारी करो। भैया हमें माफ कर दो, हमारे साथ ऐसा मत कराओ। आपके सिवा हमारे इस दुनिया में और कौन है? आज हमने तुम्हें माफ कर दिया तो हर भाई और हर भाभी का तुम्हारे जैसे लोगों से विश्वास उठ जाएगा। पुलिस आ गई, जाने की तैयारी करो अब तुम।